भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एक नए विवाद में फंस गए हैं। 18 लाख रुपए का चेक बाउंस होने के मामले में उनके खिलाफ शनिवार को छपरा में FIR दर्ज कराया गया है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव छपरा के धनाडी गांव से ताल्लुक रखते हैं। छपरा के ही रसूलपुर थाना में अभिनेता खेसारी लाल यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव ने इसी साल जून में छपरा के असहनी गांव में अपनी पत्नी चंदा देवी के नाम पर करीब 7 कट्ठा जमीन 22 लाख रुपए में खरीदा था। खेसारी लाल ने यह जमीन मृत्युंजय पांडे नाम के एक व्यक्ति से खरीदा था। मृत्युंजय पांडे को 22 लाख रुपए अदा करने को लेकर खेसारी लाल यादव ने उन्हें पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का 18 लाख रुपए का एक चेक दिया था और बाकी की रकम कैश में अदा करने का भरोसा दिया था। बताया जा रहा है जब मृत्युंजय पांडे 18 लाख रुपए के चेक को कैश कराने बैंक गए तो खेसारी लाल यादव का चेक बाउंस हो गया। सूत्रों के मुताबिक बैंक ने खेसारी लाल यादव के अकाउंट में पर्याप्त रकम न होने की बात कहते हुए चेक बाउंस हो जाने की जानकारी दी। इसके बाद मृत्युंजय पांडे ने खेसारी लाल यादव के खिलाफ पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। वहीं अपने ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किए जाने को लेकर खेसारी लाल यादव ने कहा है कि उनके खाते में 70 लाख रुपए हैं, मगर उन्होंने जानबूझकर बैंक को मृत्युंजय पांडे को 18 लाख रुपए का भुगतान करने से रोका था। इस संबंध में अभिनेता खेसारी लाल यादव ने बताया कि मृत्युंजय पांडे ने रकम के भुगतान से पहले जमीन का दाखिल खारिज करने की बात कही थी, मगर 3 महीना बीत जाने के बाद भी मृत्युंजय पांडे अपने नाम पर दाखिल खारिज नहीं करवा पाए। खेसारी लाल यादव ने बताया कि उन्हें इस बात की आशंका है कि यह जमीन विवादित हो सकती है, इसलिए उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा को 18 लाख रुपए के चेक का भुगतान करने से रोका है। उन्होंने कहा है कि अगर यह जमीन विवादित हुई तो वो भी धोखाधड़ी का केस करेंगे।